हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश की न्यूज सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के ग्रामर टिप्स सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज। और आज हमारे सामने जो वर्ड है वो है कंटेजियस, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो अच्छे से जानेंगे इसका यूज। सो आर यू रेडी? अगर रेडी है आप सब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो जल्दी से सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए हमारा नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से, और उसके बाद आपको ज्वाइन करना है अनलिमिटेड अकाउंट। तो अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखते हो बिना किसी अन्य व्यक्ति के सहायता के उनकी। तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं अब इस वीडियो को। मैंने आपको छोटी सी जानकारी दे दी, आई होप कि आप ज्वाइन करोगे हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। चलिए तो न्यूज एक बार पढ़ लेते हैं, सिंस आई हैव आस्क्ड यू टू रीड द न्यूज। So news is, India reported an outbreak of the highly contagious H5N1 bird flu virus. तो एक नया वायरस, नाम आपने देख लिया, H5N1 bird flu virus है, जो कि काफी contagious है, और उसका जो है first case जो है report हुआ है, मतलब reported an outbreak of, first case आ गया, कहने का मतलब ये है, simple, ठीक है। तो आइए एक बार जो है note कर लेते हैं इस word के बारे में कुछ important जानकारियां, जैसे कि adjective है। अब एक चीज याद रखिए कि इसको बताया मैंने क्यों आपको। जैसे आप कहते हो काला घोड़ा, तो घोड़े की क्या विशेषता है? दैट इज ब्लैक, काला है वो। तो इसी टाइप से ये जो बीमारी है, वायरस जो भी है, ये वो कैसा है? कंटेजियस है। कंटेजियस का मीनिंग क्या होता है? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, है ना, छूकर फैलने वाली बीमारी, ठीक है, जो बीमारी छू कर ही फैल रही है, ठीक है, जो बीमारी छू कर फैल जाए उसे बोला जाता है आपका कंटेजियस, छू कर फैलने वाली बीमारी। तो अगर मैं कहूं, एक सेंटेंस बनाऊ, जैसे आपने चेचक का सुना होगा कि फैल जाता है छूने से, ठीक है। सो मीजल्स इज अ हाईली, मतलब बहुत ज्यादा। देखिए, एडजेक्टिव से भी पहले अगर हाईली आप लगा रहे हो तो एडवर्ब बनता है, उस जो वर्ब जो आपका एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हाईली, है ना, इस टाइप से आप समझ भी सकते हो उन चीजों को। तो मीजल्स इज अ हाईली कंटेजियस क्या डिसीज, भाई छूओगे और फैल जाएगा ये। तो आपने देखा कि हमने कहा ये रहा कंटेजियस, कंटेजियस नहीं बोलते बार बार, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि दैट इज नॉट कंटेजियस। आप देख लीजिए एक बार कि मीजल्स इज अ हाईली कंटेजियस डिसीज, कंटेजियस। तो आप लोग भी एक सेंटेंस बना के दिखाओ कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, और सभी कीजिए, मैं चाहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और क्या करना है आपको बताइए, अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारियों के साथ, नई ग्रामर टिप्स के साथ। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।